तो 1 किलोमीटर की वॉक है। आप तो हम लोगों ने रेस्ट कर लिया और यहाँ पे एक फॉरनर्स भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अक्सर मोस्टली 50% जो है आपको फॉरनर्स ही मिलेंगे, वो इंग्लिश बोल रहे हैं। इसकी रेनोवेशन की वजह से जो है इन्होंने ये पब्लिक के लिए क्लोज किया हुआ है। हेलो एवरीवन, फाइनली हम लोग जो है अब बिल्कुल तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। हमें अभी बहुत भूख लग रही है तो मेरा दोस्त जो है कुछ खाने के लिए लेने गया है, तो हम कुछ खाने के लिए पैक करवा के तो अपने फिर होटल में जाके खाएंगे और फिर हम बाहर दोबारा निकलेंगे घूमने फिरने के लिए। गाइस यहाँ पे कुछ और अच्छा ऑप्शन था नहीं बर्गर किंग के अलावा, तो हम लोग फिर फिलहाल बर्गर किंग खा रहे हैं। हेलो गाइस, ये देखिए मुझे कितना ज़्यादा सामान के अजीब से सीट के जाना पड़ रहा है। हम लोग अपने तकरीबन होटल वाली गली में पहुँच गए हैं। अब बस हम होटल एंटर हो रहे हैं, होने वाले हैं बल्कि, तो मैं अभी होटल एंटर होते हुए आप लोगों को होटल का फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, फिर उसके अंदर देखते हैं कि हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और कौन कौन सी नहीं। हाय गाइस, दिस इज़ द रूम जो हमने बुक करवाया है। ये इसका मिरर, ये बेड और ये स्क्रीन भी है, और ये इसका व्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये होटल का व्यू है और आज मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। तो हम लोगों ने रेस्ट कर लिया, अब हम लोग बस बाहर निकल रहे हैं दोबारा। तो यहाँ पे एक तो खूबसूरत घूमने फिरने की जगह है, मुझे फ़िलहाल आइडिया नहीं है, मेरे दोस्त को ही सारा आइडिया है, तो मैं उसके प्लान के मुताबिक जो है हम निकलने लगे हैं। तो देखते हैं कि हम साथ साथ क्या एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। जी, हम इस्तांबुल की मेन स्ट्रीट में से गुजर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दिखा दूँ। इसका स्ट्रीट का नाम इस्तकलाल स्ट्रीट है और हम गुलाटा टावर जा रहे हैं। 1 किलोमीटर की वॉक है, रुको मैं थोड़ा सा। तो 1 किलोमीटर की वॉक है, आप 20 मिनट लगेंगे हमें, तो अब देखते हैं कितनी देर पहुंचते हैं। और एक और मसला, पहले स्पेस का मसला होता था, आज वो नहीं है, तो आज बैटरी का मसला है फ़ोन में, तो फ़ोन की बैटरी थोड़ी है। अब हम मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मोबाइल की बैटरी बचाने को कि हमारा व्लॉग बन जाए आज का जितना हम एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं फिर गुलाटा टावर पहुँच के। गाइज़ यहाँ पर आप लोग रश देखेंगे कितना ज़्यादा आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ की मोस्ट बिजिएस्ट स्ट्रीट है और हम इससे वॉक करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर हम जो है बाज़ार को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं साथ साथ, और यहाँ पे एक फॉरनर्स भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अक्सर मोस्टली 50% जो है आपको फॉरनर्स ही मिलेंगे, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो अगर आपको किसी से इंटरेक्ट करना है या किसी से बातचीत करनी है तो कम्युनिकेशन यहाँ पे इशू नहीं होता इतना ज़्यादा। तो जहाँ पर मैं अनकरा, जहाँ पर मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ, वहाँ पर मोस्टली ज़्यादा इशू होता है, लेकिन यहाँ पर अब मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो देखते हैं कि मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अनकरा में तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का इतना ख़ास नहीं है, वहाँ के लोग एवरेज हैं। हाय गाइस, दिस इज द ग्लैडर टावर, फाइनली हम पहुंच गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हो रहा है, बस इसके साथ पिक्चर ही मज़ीद बनवा सकते हैं, और इसके आसपास काफ़ी फूड स्टॉल्स हैं, तो फिलहाल के लिए इतना ही। यार गाइस, इसकी ना रिपेयरिंग और कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन हो रही है, इसकी रेनोवेशन की वजह से जो है इन्होंने ये पब्लिक के लिए क्लोज़ किया हुआ है। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल कुछ पिक्चर्स बना के, अब हम किधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ब्लू मॉस्क। अब हम, हाँ ब्लू मॉस्क का तो मैंने भी नाम सुना है, अब हम वहाँ जा रहे हैं, तो अगला क्लिप वहाँ पे शूट करते हैं।